हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्विज़ में। टीएसआर का एग्ज़ाम आने वाला फ्रेंड्स, और आपका टीएसआर का एग्ज़ाम डेट भी आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे पेंट में ओपन किए हुए हैं। 20/8/2021 को त्रिपुरा एमटीएस का एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, और 22/8 को एलडीसी का एग्ज़ाम है ग्रुप सी का। उसके बाद आपका 12/9/2021 को टीएसआर का दिया गया। उसके बाद 14/9/2021 को एसटीजीटी, और 16/9/2021 को STPGT, और 19/9/2021 को TET1, 26/9/2021 को TET2। यानी कि आपका एग्ज़ाम डेट जो है फ्रेंड्स, 12/9/2021 को होने वाला है। तो अब फ्रेंड्स, बात यह है कि TSR का एग्ज़ाम तो 12/9 को होने वाला है, लगभग आप आज से 1-2 महीने बाद। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थे? तो प्रीवियस ईयर का फ्रेंड्स जो बात करेंगे हम, तो प्रीवियस ईयर में सिलेबस इसका बहुत ही डिफरेंट था, और वो पिछले वैकेंसी में सभी प्रक्रियाएं एक ही दिन हो गई थी। सबसे पहले वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद 25 मार्क्स का मात्र एग्ज़ाम था, लेकिन इस बार फ्रेंड्स 60 मार्क्स का एग्ज़ाम है। तो उस हिसाब से, पिछले हिसाब से इस बार हम नहीं देख सकते हैं। तो इस बार का कट ऑफ जो रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ तो अदर आउटसाइड के लिए अदर जो हैं सभी के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि जनरल आउटसाइड जितने भी वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, तो उनका कट ऑफ 60 में, आउट ऑफ 60 में 40 होंगे, आउट ऑफ 60 में 40, यानी कि 60 मार्क्स फुल मार्क्स है आपका, तो 40 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं फ्रेंड्स कि 40 कट ऑफ जाएगा, इतना हाई कट ऑफ, तो कट ऑफ हाई नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि 30 नंबर आपका फिजिकल में मिले हैं, तो 30 वो सभी को मिले हैं। तो 60 मार्क्स में आपका 40 मार्क्स ही आपका काउंट होगा, और प्लस में जब आपका 10 मार्क्स इंटरव्यू का, यानी कि 70 में आपका 70 मार्क्स में आप जितना भी ले आए, तो 10 मार्क्स जो आपका इंटरव्यू का, उसमें 10 में 10 तो किन्हीं को मिल ही नहीं सकता, हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर कम ही सभी को मिले। तो आप आउट ऑफ लेक चलिए 70 में, तो आपका कहाँ आ रहा है, 48, 46, 47 यही आ रहा है। तो इतने हार्ड कट ऑफ नहीं है। अगर आप 70 में से 48, 50 यानी 20 मार्क्स का, तो अदर एग्ज़ाम में भी आप देख लें तो 100 मार्क्स एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें 70 से 80 के बीच में मार्क्स रहते हैं, 70 से 80 के बीच में किसी भी एग्ज़ाम के कट ऑफ रहते हैं। तो इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भी कट ऑफ जो है वो 40 से 50 के बीच ओवरऑल रहने वाला है। अगर ये 30 मार्क्स को जोड़ दें फ्रेंड्स, तो इस 48, 37, 78 यानी 80 से इधर आ रहा है, यानी 100 मार्क्स में आप टोटल जोड़ लें तो 80 से इधर ही आ रहा है। तो इस हिसाब से आप अपने कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तैयारी की, तो तैयारी आप लोगों ने अभी तक क्या किया है और नहीं किया है। एग्ज़ाम की बात करें फिर, तो एग्ज़ाम की तैयारी लगभग 1 महीने बचे, तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। 15 मार्क्स आपके हिंदी के, 15 मार्क्स आपके मैथ के, और 15 मार्क्स आपके हिंदी के, और 15 मार्क्स आपके जीके के, तो 60 मार्क्स में आपको तैयारी कैसे करनी है कि आपको मैक्सिमम अचीव करना है फ्रेंड्स। तो आपको मैं बताऊँ कि मैं SSC GD का सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ फ्रेंड्स, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम लिंक का नाम जो होगा वो TSR एग्ज़ाम स्पेशल, इसको आपको जाके ज्वाइन कर लेना। इसमें सारे स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, और एक मैं PDF बना रहा हूँ फ्रेंड्स आपका टेस्ट सीरीज़ का, वो भी मैं आपको उपलब्ध जल्द कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहेंगे फ्रेंड्स, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। और मैं एक बात और बता दूँ फ्रेंड्स कि TSR का एग्ज़ाम मैं भी देने वाला हूँ, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो मैं आपको भी प्रिपेयर करूँगा, और मैं SSC GD ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो आपको आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स, आप आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स TSR का जो सिलेबस है वो मैंने बताया। अब फ्रेंड्स अगर आप लोग कहेंगे, तो अगर कमेंट में लिखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप कहिएगा तो हम लाइव सेक्शन लेके आएंगे 15-15 क्वेश्चन का, मैथ का, साइंस का, जीके का और हिंदी का, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स TSR स्पेशल के लिए। अगर कहेंगे तो वो लाइव मैं आपको लिए लेकर आऊँगा, लेकिन फ्रेंड्स आपके कमेंट कम से कम 50 कमेंट होने चाहिए, तभी मैं वो लाइव लेके आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।